लक्षद्वीप बंदर और विभिन्न कंपनी मध्य आज 27 एमओयू स्वाक्षरित हो जाएगी। मोट 27,450 कोटी टंकार पूंजी विनियोग निमंत एमओयू स्वाक्षरित कार्यक्रम बंदर प्रशासनिक भवन में अनुष्ठित होता बेले एथिरे बंदर अध्यक्ष श्रीजुक्त विनीत कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे जोगदे समस्त कंपनी पक्षरु जोगदे थिबा व्यक्ति विशेष मानंकु स्वागत करथिले। पारादीप रु जिप्सम रप्तानी बंदर मध्ये विद्युत बंटन आयरन प्लेट रप्तानी बंदर रो विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यर उन्नतीकरण तैलयुक्त पण्य कारबार ओ क्षमता वृद्धि जलपथरे पैसेंजर सेवा सामुद्रिक उड़ाजहाज पर्यटन रो विकास नदी भित्तिक बंदर ओ या माध्यम रे पण्य कारबार क्षमता इत्यादि कार्यक्रम एमओयू मध्य अंतर्भुक्त करा जाइछि। सर्वोपरि आसंता मार्च 3 तारीख रे बंदर रे एक आंतरजातिक पूंजी निवेश कार्यक्रम रो आलोचना चक्र आरंभ हेबाकू जाउथिबा बेले एथिरे राज्य सरकार ओ केंद्र सरकार को विभिन्न प्रतिनिधि ओ अनेक कंपनी कर्तृपक्ष जोगो देबार कार्यक्रम रहिछि बोली बंदर डेपुटी चेयरमैन श्रीजुक्त एके बोस प्रकाश करिछंती। इंडिया समिट 2021 जो कि मार्च 2 से 4 तारीख तक वर्चुअल मोड पे अरेंज किया जा रहा है। इस मैरीटाइम इंडिया समिट का इनॉग्रेशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और इसके ये 3 दिन में हम बहुत सारे सेशंस का अरेंजमेंट किया गया है जिसमें वर्ल्ड क्लास पोर्ट लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन कार्गो हैंडलिंग एंड पोस्टल मूवमेंट उसके साथ वाटर ट्रांसपोर्टेशन फॉर नॉट ओनली कार्गो बट पैसेंजर ऑल्सो ये सारे सेशंस वहाँ अरेंज किए जा रहे हैं। इसके साथ जो मैरीटाइम स्टेट है जैसे महाराष्ट्र गुजरात केरला कर्नाटका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वेस्ट बंगाल ये सारे मैरीटाइम स्टेट भी उसके साथ जुड़ रहे हैं और हमारे राज्य के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि एक सेशन स्पेशल सेशन रखा गया है जो कि 3 तारीख को 12:30 से 2 बजे के बीच में आयोजित किया गया है। इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन उड़ीसा पर डिस्कशन किया जाएगा और इसमें केवल स्टेट गवर्नमेंट के माननीय मंत्री इस सेशन को चेयर करेंगे और उसमें स्टेट गवर्नमेंट के काफ़ी सीनियर ऑफिशियल्स एड्रेस करेंगे उस सेशन को। उसके अलावा इंडस्ट्री के काफ़ी सीनियर ऑफिशियल्स भी उस सेशन को एड्रेस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए पारादीप पोर्ट ने करीब 27 एमओयू साइन किया अपने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ जो कि करीब 27,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें केवल इंडस्ट्री उड़ीसा में इंडस्ट्री का ग्रोथ ही नहीं होगा बल्कि पारादीप पोर्ट को भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ये जो इंडस्ट्री आएंगे पेलेट प्लांट बने या स्टील प्लांट बने या क्रूड ऑयल ट्रैफिक आए तो इसके साथ पारादीप पोर्ट का ट्रैफिक भी बढ़ेगा और पारादीप पोर्ट का ट्रैफिक बढ़ेगा तो उससे हमारे रेवेन्यू पर भी असर आएगा, रेवेन्यू भी हमारा बढ़ेगा। तो इस सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने 27 एमओयू साइन किया और इसमें पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन के 4 एमओयू हैं जो कि त्रिवेणी ग्रुप 24 मिलियन टन का पेलेट प्लांट बना रहा है, एएमएनएस ग्रुप 12 मिलियन टन का पेलेट प्लांट बना रहे हैं और इसके अलावा कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी ने भी अपना उन्होंने भी अपना एक प्लांट बनाने का इच्छा प्रकाश किया है। पारादीप प्रशांत राउतों को रिपोर्ट विश्व विजयी न्यूज उड़ीसा।